हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूके डिलाइट। दोस्तों, सैमसंग एक ऐसी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है जिसे हर कोई बड़े ही अंदाज तरीके से जानता है। सैमसंग जैसे बड़ी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी आज से नहीं बल्कि बरसों से मोबाइल फ़ोन बनाती चली आ रही है। सैमसंग जैसी कंपनी ने अभी तक एक से बढ़कर एक ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है जिन्हें मोबाइल फ़ोन के दीवाने बड़े ही शौक से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सैमसंग समय समय पर उनके स्मार्टफोन की सीरीज भी लॉन्च करती है जिसे सैमसंग की चाहने वाले काफ़ी पसंद भी करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग की ऐसे ही बेहतरीन स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी एड्स प्राइम। दोस्तों, सैमसंग के इस स्मार्टफोन में बहुत ही तगड़ा फीचर्स दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन की क्वालिटी है कि इसमें आपको बेहतरीन स्पीड वाली रैम भी देखने को मिलेंगे, साथ में अच्छी क्वालिटी की कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी एड्स प्राइम की फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सो दोस्तों, पहले हम इस फ़ोन की स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यह आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि 8GB रैम, 12GB रैम और 16GB रैम के साथ, विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB इंटरनल स्टोरेज और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 4K रिजोल्यूशन के साथ 6.9 इंच का सुपर अमोल्ड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इसमें आपको 4 बैक कैमरा देखने को मिल जाएंगे, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो प्लस 8 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस फ़ोन की अगर हम चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+5G चिपसेट देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह एंड्रॉयड 12 पर काम करती है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 8000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाएंगे, विथ 150W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, एंड ये USB Type-C सपोर्ट के साथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको सभी कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS जो कि सभी फ़ोन में होते हैं वो सभी आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें सेंसर जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस ID, ये सभी आपको इस फ़ोन में फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको ऑडियो जैक 3.5 mm भी देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम इसकी रिलीज डेट यानी कि लॉन्च डेट की बात करें तो ये हो सकता है मार्च 25 तक लॉन्च हो जाए। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म इसके बारे में नहीं बता सकते। फिर भी अगर गेस के तौर पर बता सकती हूँ, हो सकता है ये 30,000 to 40,000 में आ जाए, बट ये भी कोई कंफर्म नहीं है। जब ये लॉन्च होगा तभी या फिर लॉन्च से पहले भी आप लोगों को ये पता चल सकता है, तो फिर भी मैं अभी आपको कंफर्म इसके बारे में नहीं बता सकती। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।